हेलो दोस्तों, योनि का लाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फोटोशॉप में कुछ चीज़ें बताई थी, बेसिक चीज़ें, ठीक है, और बोला था कि आगे के वीडियो में हम आपको इसके टूल्स और जो ये फाइल मेनू है, जो मेनू है जिसमें फाइल एडिट, इमेज वगैरह दिया है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बेसिक जो उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, ठीक है। आज इसे देखते हैं फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में हम फोटोशॉप आपको पढ़ाते हैं और इसमें कुछ टूल्स के बारे में मैं आज बताऊंगा, ठीक है। और इसका नोट्स का आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका नोट्स मैं आपको पीडीएफ के थ्रू, ठीक है, आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करा दूंगा, मतलब पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगी, आपके लिंक में आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी। तो आप लोग नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ बस मन से पढ़ते जाइए और उस पर जितना काम दे रहा हूँ आप लोग करते जाइए। चलिए तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोशॉप में जो हम काम करेंगे, तो फोटोशॉप में काम करने से पहले हमें एक लेजर की लेजर वही कहा जाता है कि एक हमें लेयर, यानी कि एक हमें लेयर की ज़रूरत होगी जिस पे हम काम करें। लेयर करने का मतलब पेज जिस पे हम काम करेंगे, जो चीज़ें हम बनाएंगे विदाउट लेयर के तो हम फोटोशॉप में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको फोटोशॉप में लेयर लेने की एक शॉर्टकट की बताया था, आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो फिर से जान जाइए। मैं आपको बोला था Ctrl+N, क्या बोला था, कंट्रोल के साथ आप एन प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रोल के साथ आप जैसे एन प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपका आ जाएगा और यहाँ पर पूछेगा नेम, आपको यहाँ पर अपना नेम दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना नेम आप दे सकते हैं, जो आपका लेयर हो अपने नेम से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया था रीसेट साइज, यहाँ से मैं बताया था आप उस लेयर जो ले रहे हैं उसके साइज को अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग आप जो हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसे कि 2x3, ठीक है, यानी 2x, यानी 2x3 या 4x6 या 5x7 नहीं कहा जाता है। आप स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कि कहता है वहाँ पर पूछेगा आपको जो फोटो चाहिए किस चीज़ चाहिए, ठीक है, तो यही सब पूछता है वो, ठीक है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग आप जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस साइज को लेकर और लेयर को क्रिएट करके आप अपने उसी हिसाब से अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताया था मैं A4 साइज ले रहा हूँ और A4 साइज ले बने आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आज ये ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ कि 640x480, यानी कि जो इसका विथ है 640 पिक्सल है और इसका जो हाइट है 480 है और इसका रेजोल्यूशन कितना है 72 है, ठीक है। और मोड जो है RGB कलर और वाइट ये भी रहने देंगे, ठीक है, इसका जो कॉन्टेक्ट है वाइट रहने देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि लेयर का आपका ओपन हो चुका है, ठीक है, आपका क्या गया लेयर ओपन हो चुका है। लेयर ओपन होने के बाद अब आगे के जो मैं आपको बताया था आगे का काम क्या है, आगे का काम ये है कि मैं आपको बताया था कि आगे आप इस पर कैसे काम करेंगे और काम करने के लिए एक एक टूल्स का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, आज साथ साथ में मैं इसमें भी आपको बताता जाऊंगा कि ये सब क्या होते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं टूल्स में, फिर इसको भी साथ साथ में दोनों मैं आपको बताते चला जाऊँगा और अच्छे तरह से आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको लेयर जैसे क्रिएट किया गया, आपको लेयर क्रिएट करने का एक और बताया था क्या, अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद हो रहा है तो आप यहाँ फाइल में जाइए, फाइल में आपको न्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी अपने साइड उसी हिसाब जो ही आ जाएगा ऑप्शन, जो ऑप्शन मैंने आपको Ctrl+N करके लाया था, ठीक है, यहाँ से भी आप अपने लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको हम कट करते हैं, अब आ जाइए यहाँ पे आने बाद मैं आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो आप लेयर क्रिएट करेंगे तो ये लेयर में नहीं इस बैकग्राउंड में क्रिएट होगा, और इसको जब हम लेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माउस देखिए पॉइंटर, यहाँ पे आके जो बैकग्राउंड लिखा है इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप माउस से डबल क्लिक करेंगे राइट क्या है राइट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट क्लिक डबल करेंगे तो आपका एक न्यू लेयर का आएगा और लिखेगा नेम लेयर 0, ठीक है, यहाँ पर आप नेम डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए ऐसे और ओके कर दीजिए। देखिए जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड से किस में कन्वर्ट हो गया, लेयर में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, लेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड यानी जो आप लेयर लेंगे उसके बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, और मिनिमाइज करने बाद मैंने आपको पहला जो टूल्स है ये बताया था, ये मूव टूल्स है, इसका क्या काम होता है, इससे आप सिर्फ
इमेज या लेयर जो भी है उसको मूव करा सकते हैं, या कोई स्पेस हो या कोई टेस्ट हो, जो भी चीज़ है आप इस मूव टूल से क्या करा सकते हैं, उसको सिर्फ मूव करा सकते हैं, ठीक है। यानी एक जगह से लगा उठाकर दूसरे जगह पर रखना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर रखना, उससे यहाँ पर मतलब मूव कराने का काम कर सकते हैं। अब आ जाइए इससे आगे, मैंने इसके आगे बताया था आपको मार्क्यू टूल सीखेगा, ठीक है। मार्क्यू टूल तो पहले नंबर पर आपका जो दिखेगा वो है राइट एंगल मार्क्यू टूल, आप यहाँ पर आइए, राइट क्लिक कीजिएगा माउस की, तो आपका ये चार ऑप्शन दिखेगा। पहला नंबर है मार्क्यू यानी कि राइट एंगल मार्क्यू टूल, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको एक क्लिक कीजिए। और आपको बता दूं मैं राइट एंगल मार्क्यू टूल क्या होता है। राइट एंगल मार्क्यू टूल का मतलब ये है कि ये जो एक सिलेक्ट करने का काम करता है, ये क्या है, सिलेक्शन ऑप्शन है, ये सिर्फ सिलेक्ट करने का काम करता है। और कैसे सिलेक्ट करेगा, तो राइट एंगल मार्क्यू टूल से नाम से ही पता चल रहा है कि राइट एंगल यानी कि ये एक चतुर्भुज के रूप में क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। जो हिंदी वाले होंगे उनको चतुर्भुज समझ में आ रहा होगा, जो इंग्लिश वाले होंगे राइट एंगल समझ लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट करता है। तो आप इसको एक्टिव कीजिए, और एक्टिव करने के बाद क्या आइए यहाँ पे माउस की लेफ्ट क्लिक कीजिए, और ये क्लिक करने के बाद ऐसे ड्रॉ कीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे सिलेक्ट कर लिया, राइट एंगल की तरह सिलेक्ट किया कि नहीं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया ना। अब देखिए सिलेक्ट करने के बाद क्या किया जाएगा, इसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं आप कलर फिल कर सकते हैं। कैसे कलर फिल सकते हैं, आप यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कलर फिल करने के लिए, यहाँ पे आइए और क्लिक कीजिए, कोई एक कलर ले लीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखना है, देखिए यहाँ पे कलर करने के लिए आपको एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक कीजिए, जिसका नाम है ब्रश टूल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नीचे एक दिख रहा होगा पेंट बास्केट टूल्स, ठीक है। क्या लिखा है, पेंट बास्केट टूल्स, आप इसको लीजिए, और यहाँ से आप यहाँ या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। जय कि यहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंग इस कलर ले सकते हैं, कोई भी आपको कलर, जैसे कि मुझे नीला लेना है, नीला लिया, ब्लू लिया, और यहाँ से लाकर आप यहाँ पे एक बार क्या करना, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका कलर आ गया, फिल हो गया। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चलते आगे, ऐसे क्या काम है, अब आ जाइए वहीं पर आ जाइए फिर से मार्केट टूल पे। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बहुत लोगों के कंफ्यूजिंग हो रही थी कि सर ये चार ऑप्शन का क्या काम है। भाई बता रहा हूँ, ये चार ऑप्शन का देखिए, पहले नंबर पर आप जैसे जाएंगे और दूसरे नंबर पर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जैसे आप वहाँ पर माउस को लिखेंगे, तो माउस को रखते ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिख रहा है ऐड, क्या लिख रहा है, ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि इसकी मदद से अगर आप इसको एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके और जैसे ये करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया, देखिए इसको कलर भर रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा लीजिए, कलर को हटाइए पहले, कंट्रोल प्लस जेड जेड कर करके इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। सो फोटोशॉप में एक से अधिक अगर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल और अल्ट जेड करेंगे तो एक से अधिक आप कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, आ जाइए पहले देखते हैं ये, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब बनाने के बाद मैं बताऊँ कि ये क्या है, तो ये ऐड सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन करने का मतलब है ये इसमें ऐड कर लेगा, यानी कि देखिए मैं ये बना रहा हूँ ना, अब इसके अंदर के हिस्से को क्या करेगा, वो गायब कर देगा और बाहर हिस्से को ऐड कर लेगा। देखिए दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। तो आप इस तरह पर इसको सेलेक्ट करके कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख लीजिए, देखिए दिखे ना, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट किया कि नहीं किया, किया ना। अब देखिए यहाँ पे इसका नंबर दो, तीसरा नंबर देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्शन, वहाँ तो ऐड कर रहा था ना, ये सब्ट्रैक्शन करने का मतलब माइनस करेगा, यानी कि यहाँ पे जो था ये बाहरी हिस्से को ऐड कर रहा था, लेकिन ये जो करेगा ये बाहर से सब्ट्रैक्शन करके ये माइनस में करेगा, यानी कि अंदर के हिस्से में कन्वर्ट करेगा। देखिए कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, अब ये जो बाहरी वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा ऊपर, वो नहीं लेगा, जो अंदर वाला हिस्सा इसमें कन्वर्ट जोड़ लेगा। देखिए यहाँ जो बाहरी वाला था उसको हटा दिया, अंदर ऐड कर लिया कि नहीं, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन का काम किया ना। तो इस तरह से आप देखिए स्ट्रक्चर ये कुछ बन गया है, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर कोई बना है। अब तो आप भी इस तरह इसको बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसका मदद करके, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि ये तीनों का क्या काम है, अलग अलग काम होता है, आप लोगों को मालूम हो गया होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं कलर कैसे फिल करेंगे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है सर इसमें कलर कैसे फिल करें। देखिए कलर फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कलर फिल करने के लिए आप दो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या, पहला नंबर आप यहाँ पर जाइए, ठीक है, किस पर जाइए,
टूल्स पे, जो यहाँ पे बास्क टूल दिखा आप, जिसमें आपका दो ऑप्शन दिखेगा, एक लिखा है ग्रेडियंट टूल्स, ठीक है, आप इसकी मदद से ग्रेडियंट कलर इसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो एक टू कीजिए और यहाँ पे आइए, ग्रेडियंट कलर का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से कई कलर मैच करके यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, कोई कलर आ जाएगा, यहाँ पर ले लीजिए रेड है, जैसे मैंने रेड लिया, ओके किया, देखिए आपको यहाँ पर रेड आ गया। तो इस तरह से आप इसमें कलर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे मेरा जैसे ग्रीन है, आप मैं इस ग्रीन को हटा के कोई और कलर चाहता हूँ, वहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर चले जाइए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कौन सा पिंक कलर है, पिंक पे लेता हूँ, ओके करता हूँ, इसको एक्टिव करें, देखिए यहाँ पे जो मेरा ग्रीन था वो पिंक में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से आप अपने कलर को भी फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बनाने के बाद क्या करेंगे आप, ओके कर दीजिए, देखिए कलर ऐड हो गया, जो मैं कलर यहाँ बनाया हूँ ऐड हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका पॉइंटर कुछ इस तरफ दिखेगा, तो आपको पॉइंटर पर क्या करना है, लेफ्ट क्लिक क्लिक कीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, देखिए आप कलर हो गया कि नहीं हुआ, हुआ कि कलर नहीं हुआ, हुआ ना। तो आप इस तरह से ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं, आपको सिंगल कलर करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कहाँ से होगी, आप वहीं पे जाइए पेंट वाले पे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने बाद आप यहाँ से ले लीजिए पेंट बास्केट टूल, क्या ले लीजिए, पेंट बास्केट टूल से लीजिए, और इसको लेने के बाद आप जाइए यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप देखिए दो बताया था कि आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं आ रहा तो आपको यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आइए डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कोई एक कलर लेना है ले लीजिए, जैसे कि हमें एक सिंगल कलर लेना है, क्या ये ले लीजिए आप। अब देखिए इसको कलर करने से पहले आपको ये कलर हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी में कलर करेंगे तो ये देखिए नहीं होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन अगर इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हटाने के लिए क्या बोला था हमें, इसको हटाने के लिए आप यहाँ पर ग्रेडियंट जाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हिस्ट्री वाला मैं बताया हुआ था ना कि ये हिस्ट्री कैसे शो करेगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ तक की जो था मैं इसमें ग्रेडियंट कलर कर रहा हूँ, यहाँ से क्या है ये पेज क्लियर है, देखिए यहाँ पे क्लियर पे मैं क्लिक किया, ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया, हो गया क्लियर ना। अब यहाँ पर क्लियर होने के बाद अब यहाँ पर आप कलर अपना फिल कर सकते हैं, हुआ कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आ गया होगा, आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा बता देंगे आप लोग समझ नहीं पाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, आप उस पर लाइव कीजिएगा, अपना जो घर पे है, जो आपके घर पे डेस्कटॉप हो या लैप, जिसके घर पे डेस्कटॉप हो या लैप लैपटॉप हो जो भी है उस पर एक वर्क कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आगे के वीडियो में हम आप जो इससे जो क्या बचा है, देखिए अभी इसमें बहुत चार ऑप्शन बचा है, पहला है इलिप्टिकल टूल, ठीक है, सिंगल रॉ मार्क्यू टूल्स, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, यानी इलिप्टिकल टूल क्या होता है, इलिप्टिकल टूल जो होता है ये एक सर्कल की तरह, यानी कि ये गोले की तरह काम करेगा, देखिए है कि नहीं, ऐसे सेलेक्ट करना है ना, ये गोले की तरह सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं सेलेक्ट कर रहा है। आप नीचे आ जाइए, सिंगल रो कॉलम, ये एक सिंगल रो कॉलम की तरह सेलेक्ट करेगा, देखिए कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं,